एस न्यूज। गाँव में एक बड़ा मुद्दा पानी की बेहतर निकासी का भी रहा है। पानी की बेहतर निकासी ना होने के कारण कई सारी बीमारियां पनप जाती हैं, जिससे भविष्य में बड़े सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही मुद्दों को एबीपीएस न्यूज टीम लगातार उठा रही है। इस बार टीम का पड़ाव सेहल गांव रहा। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुरादाबाद से 15 किलोमीटर है। वर्तमान में इस गाँव के प्रधान राजेंद्र है। लगभग 210 बच्चे यहाँ के जूनियर व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वहीं गांव के अंदर एंट्री करने पर सोलर लाइट ठीक हालत में मिली। यहाँ शिव मूर्ति पुराना कुआं के पास रखरखाव अच्छा मिला। तो वहीं गांव में बड़ा ट्रांसफार्मर भी दिखाई दिया। तो सीसी टाइल्स रोड की सड़कें भी बनी हुई है। फिर भी कई सड़कें अभी भी निर्माण कार्य की बाट जो रही है। यहाँ आवास तो लोगों को मिले हैं पर अपेक्षाकृत कम। ग्रामीण बताते हैं कि कार्य तो जारी है पर अभी भी बहुत से काम बाकी है। चंद्रपाल सिंह, गांव सेहल, डाकखाना जिला, डाकखाना लालू वाला। हाँ साहब, हमारे प्रधान बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये हमारे जो प्रधान होंगे फिलहाल मतलब भोजपुर भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद के, लेकिन ये कहाँ से करें कैसे करें जब इतना पैसा नहीं आ रहा। हमारे यहाँ स्थिति जो है खादर का इलाका है और बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे यहाँ। वही प्रधान कहते हैं कि रास्तों के लिए पैसा नहीं आ पा रहा है, जिससे अभी भी उनकी हालत खराब है। वही पंचायत भवन भी खंडहर हालत में है और नाले की सफाई के लिए भी पूरी तरह से पैसा नहीं आ पा रहा है। सरकार से उन्होंने फंड दुरुस्त कराने की मांग की। ग्राम शहर राजेंद्र प्रधान, भगतपुर टाना, ब्लॉक भगतपुर, मुरादाबाद। मेरे गाँव में रास्ते बहुत खराब है और पैसा अभी इतना आ नहीं रहा जिससे कि मैं रास्ते सब ठीक करा दूं। और जो है स्कूल पंचायत भवन भी ठीक नहीं है, उनकी मरम्मत होनी चाहिए। खराब पड़े हैं, खंडर से पड़े हैं सब। नाले की सफाई नहीं है, गंदगी हो रही है, उसमें पैसा नहीं है। मैं लगा दूं इतना पैसा, मेरे पास इतना बजट उसमें है नहीं। खाते में बहुत कमी चल रही है खाते में पैसों की। आवासों की भी गाँव में बहुत गरीब आदमी है, आवास नहीं है, आवास आने चाहिए। जनता परेशान है, नल भी आने चाहिए, बत्ती खैर आ रही है।